और इस प्रदेश में आदिवासी आबादी करीब एक तिहाई है। आदिवासियों का जीवन, उनकी संस्कृति उस देश की सबसे मौलिक चीज है। ये चीजें तेजी से नीरस एकरूपता में विविधता के रंग घोलने वाली है। इन्हीं आदिवासी रंगों को छटाएं तब बिखरेंगी जब दिसंबर के महीने में देश भर के आदिवासी समाज अपनी संस्कृति से जुड़े नृत्य को पेश करेंगे। संस्कृति सौंदर्य बोध गढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। सौंदर्य बोध यानी आपकी चेतना में सौंदर्य को लेकर आपकी समझ। आज जब हम जिस वैश्वीकरण में जी रहे हैं, वहाँ एक साथ सौंदर्य बोध होता जा रहा है। वैश्वीकरण के इस दौर में कहीं असली सौंदर्य बोध बचा हुआ है तो आदिवासियों के पास बचा है, जो मौलिक और मिलावट रहित है। ये सौंदर्य बोध हमारी चेतना को व्यापक बनाता है। इस सौंदर्य बोध से नैतिक चेतना में भी बदलाव आएगा। जब आप आदिवासियों को उनके संगीत के साथ थिरकते देखेंगे तो उनकी समझ इस नुमाइश में जो पेड़, जानवर और झोपड़ी का इस्तेमाल वे करेंगे, उससे आपके सौंदर्य बोध में ये विविध चीजें भी आ जाएंगी और फिर बाय डिफॉल्ट आपकी चिंताओं में पर्यावरण शामिल हो जाएगा। कुछ इसी सोच के साथ रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित करने जा रही है। ये आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। पहली बार देश में इसका आयोजन हो रहा है 27, 28, 29 दिसंबर को, जिसमें आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन पूरे देश भर के कलाकारों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। यह कार्यक्रम साइंस कॉलेज मैदान में होगा। 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक महोत्सव चलेगा। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। इसमें 6 मंत्रियों को भी रखा गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को रखा गया है। मंत्रियों के अलावा मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त तथा लोक निर्माण विभाग और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सदस्य बनाए गए हैं। आयोजन के लिए संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के 2500 कलाकार भाग लेंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि इसमें कुछ दूसरे देश के आदिवासी नृत्य दल भी भाग लें। आयोजन भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। पूरा देश के जो आदिवासी मन के कला और संस्कृति है, ओकर जमावड़ा छत्तीसगढ़ में हो के पूरा तैयारी है। और वहाँ जब हुई तो छत्तीसगढ़ एक नया पहचान मिली। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रतियोगिता भी होगी। इनमें 4 विषयों पर कार्यक्रम रखे जाएंगे। पहला विवाह या मांगलिक अवसर पर होने वाले नृत्य, दूसरा कृषि आधारित जैसे फसल कटने के समय आयोजित होने वाले नृत्य, तीसरा देश के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक त्योहारों विशेष अवसरों पर होने वाले नृत्य और चौथे विषय को खुली प्रतियोगिता के रूप में रखा गया है। इसमें एक राज्य से 4 ग्रुप शामिल होंगे। हर ग्रुप में 15 कलाकारों की टीम होगी। राज्य में आयोजन की तैयारियों के लिए विकास खंड स्तर पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 15 नवंबर तक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।